सोलन में धूमधाम से वाल्मीकि दिवस मनाया गया। वाल्मीकि समुदाय के लोगों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहसल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लिया और मंदिर में झंडा चढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने सभी को वाल्मीकि दिवस पर शुभकामनाएं दी और प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामना की। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहसल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का हम सभी बहत्तरवां प्रकट उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि किसी जाति विशेष के नहीं होते बल्कि समस्त जन के पूजनीय होते हैं, जो सभी के कल्याण हेतु धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। धार्मिक ग्रंथ रामायण में भगवान श्री राम ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन विकट परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ की शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से पूरे समाज को महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महर्षि वाल्मीकि जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो भगवान के ही अवतार थे और उन्होंने वाल्मीकि रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, उसकी रचना उन्होंने की। पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम भगवान वाल्मीकि जी ने किया और उनका संदेश भी यही है। लेकिन मेरा मानना इसमें यह है, वाल्मीकि समाज तो मनाए ही मनाए, लेकिन पूरे हिंदू समाज को जो है वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव मनाना चाहिए। यानी उनका जीवन जो है वो अनुकरणीय है, उनका संदेश जो है वो बहुत पावन और बहुत पवित्र है, और उनका संदेश जो है ये पूरे समाज के लिए है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए, अभी तो पूरे विश्व के लिए है आज। और ये जो जितने हमारे ऋषि महर्षि संत लोग जो हमारे देश की धरती के ऊपर हुए हैं, उनका जन्मदिवस मनाने का तात्पर्य और महत्व भी यही है कि पूरा समाज जो है वो एक हो, एकात्मता के सूत्र में जो है पूरा समाज पिरोया जाए।